सो गाइस, पिछली वीडियो हमने देखा था कार के म्यूजिक सिस्टम को घर पे बजा करके, पूरा सिस्टम ला के मैंने घर पे बजाया था। तो इस वीडियो में मैंने पावर सप्लाई के ऊपर वीडियो नहीं दिखाई थी कि मैं किस तरह से पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, बस मैंने ये दिखाया था उसको कैसे बनाते हैं, किस तरह, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, उसको कैसे बनाना है, ये चीज़ मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाई थी। तो उस वीडियो पर कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि आप लोग ये बता रहे थे कि आप सर कौन सी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको चला रहे हैं, क्योंकि जो कार का हमारा पूरा सिस्टम होता है अप्लाइंसेस, जितने भी सब गैजेट लगे होते हैं कार में, हमारे स्टीरियो वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह, तो वो सब क्या होता है, 12 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई पे चलते हैं। और जो हमें कार में का सिस्टम पूरा घर पर बजा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि घर पर जो पावर सप्लाई आती है, जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं, अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट, ये एसी 240 वोल्ट तक रहता है। तो 240 वोल्ट एसी से ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसमें गलती से भी लगा नहीं सकते हैं हम इसको, क्योंकि यह 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। तो यही हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, हम एक पावर सप्लाई पूरी बना के आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें घर की चला सकते हैं, जैसे कार की बैटरी चार्ज करना हो गया, या फिर हमें उसका म्यूजिक सिस्टम को घर पे यूज़ करना है, एम्पलीफायर यूज़ करना है, बेस ट्यूब यूज़ करना है, कार का घर पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। बाकी पावर सप्लाई बहुत सारी आती हैं, जैसे कंप्यूटर का SMPS हो गया, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 12 वोल्ट के कई अडाप्टर वगैरह आते हैं, उससे भी आप चला सकते हैं। मगर जो बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया आपका यूज़ में लाना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, हम एक चीज़ लाएँ, मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है, जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पावर सप्लाई है, उस वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये फ़ैन चालू है इसका, ये कूलिंग के लिए है, जिससे कि जैसे कि नीचे देख लीजिए, ट्रांसफार्मर इसमें रखा हुआ है, इसका ये पूरा आगे साइड सर्किट है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये जो इसका वायर गया हुआ है, ये डायरेक्टली हमारे बोर्ड पर गया है, देख सकते हैं, ये एसी करंट पर गया हुआ है। बाकी इससे इस साइड पर ये जैसे यहाँ से डीसी करंट निकल रहा है, इसी पे मैंने डायरेक्ट फ़ैन लगा दिया है कूलिंग के लिए, क्योंकि ये हीट होता है। तो इससे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इस समय बैटरी हमारी कार की चार्ज हो रही है, आप ये देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट 35 एम्पीयर की बैटरी है, ये इस समय चार्ज हो रही है, इससे बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि ये गर्म भी हो जाता है, तो इस वजह से कूलिंग के लिए इसमें हमने फ़ैन लगाया हुआ है। तो गाइस, ये वो ट्रांसफार्मर है, देख सकते हैं आप, सरल ट्रांसफार्मर, बाकी इस कंपनी का भी नहीं, आपको किसी भी, वो अपने जो बनाते हैं वो अपना नाम लगा देते हैं ब्रांड का। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, ये आगे वीडियो में देखेंगे ये मैं कितने का लाया हूँ और इसका पूरा खर्चा कितना पड़ेगा आपको। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये देखिए 3 महीने की वारंटी के साथ मिला है, ये कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर, आप देख सकते हैं, 5 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर, 5 एम्पियर बहुत है आपके बेस ट्यूब बजाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 वायर आए हुए हैं, एक साइड ये हमारे डायरेक्टली एसी 240 वोल्ट पे लग जाएंगे, बाकी इस साइड 3 वायर आए हुए हैं, तो इनमें से 2 वायर हम लेंगे, एक को ऐसे छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसको क्या रहेगा, हमें डीसी वोल्ट निकालेगा। तो डीसी डायरेक्ट, ये वोल्ट क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली इसमें नहीं लगा सकते, तो उसके लिए कुछ हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये भी मैं लाया हूँ, ये देखिए 2 डायोड वगैरह हैं और एक कैपेसिटर है, तो इस तरह से हम इसकी पूरी पावर सप्लाई बनाने वाले हैं। तो गाइस, ये ट्रांसफार्मर है, इससे क्या रहेगा, जो हमारा SMPS के वो सब आते हैं और बहुत से सर्किट आते हैं, वो क्या होता है कि एक नॉर्मल जो 240 वोल्ट इसमें रहता है, उससे अगर वोल्टेज कम रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, तो उस वक्त क्या रहेगा, जो आपका पावर सप्लाई रहेगी वो बंद हो जाएगी, कट कर देगी, उससे कि आपका बेस और बेस ट्यूब वगैरह सही से वर्क नहीं करेगा। मगर जो हमारा ये ट्रांसफार्मर रहता है, कम से कम वोल्ट पे भी सही अच्छा वर्क करता है, एक बढ़िया पावर सप्लाई ये देता है, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई ये दे देता है। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, अपना देसी स्टाइल काफ़ी अच्छा रहेगा, अपने इस तरह की किसी भी चीज़ में अपने इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका ख़राब होने के भी बहुत लंबा चलता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया लाइफ होती है। बाकी उसकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ज़्यादा पावर सप्लाई आ गया, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया, कम हो गया, तो उसकी वजह से आपका जो पावर सप्लाई होती है वो ख़राब हो जाती है। मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके ख़राब होने की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, बस आपको ज़्यादा इसको हीट नहीं होने देना, उसके लिए इसमें फ़ैन सप्लाई आप लगा दीजिए, कूलिंग का सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम इसको पूरा फिट करने की स्टार्ट करते हैं, इसको बना के आपको दिखाते हैं। सो गाइस, इसका आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं, उसके बॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। मैं ऐसे आपको पावर सप्लाई चालू करके इसको दिखा रहा हूँ किस तरह कनेक्शन करने है। एक इस तरह का आपको प्लग ले लेना है, उस कुछ वायर ले लेना है, जिससे कि अल्टरनेट करंट भी लग जाए, ठीक है। तो इसके जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर को इसी में हम अटैच कर देते हैं।
और साथ ही इसमें अच्छी सी टेपिंग कर देना है ताकि शॉर्ट वगैरह कहीं टच ना हो। तो ये पूरी टेपिंग हो गई, तो इसका हमें कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी हम इसको लगा के देख करते हैं आपकी, ये पूरे सर्किट लगाते हैं इसमें किस तरह से लगाना है ये भी आपको हम दिखाते हैं। इसको हम इस पर सेट कर लेते हैं 200 पे। अब इसमें हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस इसमें 32.5 वोल्ट आपको दिखा रहा है, मगर ये 12 वोल्ट ही रहता है। ये 32 इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने कैपेसिटर लगा रखा है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। क्योंकि कैपेसिटर से क्या रहेगा, अगर हम कोई म्यूज़िक सिस्टम चलाएंगे उसमें कभी कभी जैसे बेस अचानक से आ जाती है बेस ट्यूब से, तो उस वक्त क्या होता है पावर सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करता है, तो उस वजह से ये चार्ज रहती है। तो उस वक्त वो पावर सप्लाई जो अचानक डाउन जाती है अचानक अप जाती है उस समय सिचुएशन में ये बहुत ही काम करता है। तो इस वजह से इसमें 32 वोल्ट दिखा रहा है, बाकी मेन 12 वोल्ट की ये हमारी सर्किट है, इस पर कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके जो वोल्टेज है वो इधर उधर जा रहे हैं, उल्टे साइड जाने लगते हैं। तो इस वजह से ये सर्किट बोर्ड के बाहर से जो सप्लाई हमें मिल रही है उस पर हम देख सकते हैं कितनी वोल्ट हमें मिल रहा है, 32.6, जो कि काफ़ी अच्छा वोल्ट है। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर सप्लाई इसमें है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है इसमें, 5 एम्पियर काफ़ी होता है। इससे आप अपने बेस एज ट्यूब चलाएँ अगर तो बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा। तो हम इसमें ये 90-100 वोल्ट बल्ब जलाते हैं, एक लाइन इसकी फ्यूज़ है, दूसरी लाइन पे हम लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ ये जल रहा है पूरी पावर से अपने, ठीक है। तो जब ये 90-100 वाट का बल्ब हम जला सकते हैं तो ये छोटे छोटे स्टीरियो क्या नहीं, इससे हम अपनी पूरे कार की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारे यूज़ जो होते हैं 12 वोल्ट पावर सप्लाई से वो हम उससे कर सकते हैं। और हम इस पे जो हो गया मोटर भी आप अपनी लगा के देख सकते हैं कि मोटर चल रही है कि नहीं, मोटर भी हम आपको चला के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये कार की भी मोटर है, ये पावर विंडो की मोटर है, इसमें हम लगाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो इस तरह से ये पावर सप्लाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। बाकी इसमें आप किसी तरह टेपिंग वगैरह कर दीजिए अपने हिसाब से, इसमें और डायोड आप बढ़ा भी सकते हैं, मगर हम इसको इसी टाइप के रखते हैं क्योंकि ये सर्किट हमारा एकदम नॉर्मल सही सर्किट है, सबसे अच्छा बेस्ट सर्किट है इससे हम कोई भी चीज़ चलाने के लिए, ठीक है। अगर आपका लोड यूज़ ज़्यादा है तो उससे हम कैपेसिटर आप बढ़ा भी सकते हैं उसका फेराइट जो होता है। तो बाकी से ये सिस्टम मेन जो आता है हमें यहीं वहीं से मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आप एक फ़ैन भी लगा सकते हैं ज़्यादा अगर आपका लोड है तो इसमें फ़ैन लगा दीजिए कूलिंग के लिए, बाकी अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या आई है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर केवल ट्रांसफार्मर मिला है ये हमें मिला है 500 के अराउंड, ठीक है। और जो इसके ये डायोड वगैरह मिली हैं ये 10-10 रुपए के मिले हैं, तीन मिले हैं, ये 30 रुपए की हो गए, मतलब 530 रुपीज़ का हमें खर्चा आया है। बाकी आप ये जो वायर हो गया प्लग हो गया तो आप ये अपने अलग से जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फ़ैन लगाएंगे तो उसका भी कॉस्ट आपके हिसाब से बढ़ जाएगा, बाकी इसका अराउंड कॉस्ट 500 रुपीज़ के अराउंड जाता है। तो 500 रुपीज़ में आपको एक सबसे अच्छी 5 एम्पियर की बेस्ट पावर सप्लाई मिल रही है, तो क्या गलत है भाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है, बहुत ही अच्छा 5 एम्पियर बहुत होता है। अगर कार की बैटरी आप चार्ज करने पे आ जाएंगे, पूरी डाउन बैटरी है तो 1 से 1.5 घंटे में कार की बैटरी फुल चार्ज करके ये दे देगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई आपको मिलती है। तो बस वीडियो इसी टॉपिक पे थी, छोटी सी वीडियो है, आपको आई होप पसंद आएगी वीडियो। अगर ये अच्छी लगी है पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।